आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज में, जहां पे आज प्रोफेशनल स्टडीज़ के बच्चों का यहां पे फ्रेशर पार्टी रखी गई है। आइए आज यहां पे जानते हैं जो यहां के स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं और जो फ्रेशर्स आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ की फैकल्टी है, टीचर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज यहाँ पे होने वाला है, और जो फ्रेशर्स बच्चे आने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर और साथ ही साथ आगे परफॉर्मेंस को लेकर हम बातचीत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ के फ्रेशर पार्टी में आए हुए बच्चों से। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रेशर्स छात्राएं हैं जिनकी यहाँ पे फ्रेशर पार्टी रखी गई है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कुछ एक्सपीरियंस इनके स्कूल में रहा और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन इनकी कॉलेज से है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। नाम क्या है आपका? अदिति सिंह। अदिति, इससे पहले कहाँ पढ़ाई करती थी आप? आई एम बेसिकली फ्रॉम बनारस। अच्छा। और मैं उससे पहले अपनी स्कूलिंग ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल से कम्प्लीट की है। अच्छा, यानी कि आप बनारस को छोड़ के अवध में आ चुकी हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन रही आपकी इस कॉलेज से, कैसे सर्च किया आपने कॉलेज के बारे में? मेरे को मेरे सीनियर्स के थ्रू पता चला इस कॉलेज के बारे में, एंड आई हर्ड अबाउट दिस स्टडीज ऑफ फैब, सो आई जस्ट कंसिडर्ड स्टडी एज वेल एज माई पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड हेयर, सो आई चूज इन दिस कॉलेज। ओके, दूसरी तरफ आते हैं, नाम क्या है आपका? हाय, आई एम शिवानी यादव। इससे पहले क्या करती थी शिवानी आप? आई पास माई क्लास 12th फ्रॉम सेंट्रल अकेडमी आशियाना। मतलब आप लखनऊ की ही हैं। और आपने सर्च कैसे किया इस कॉलेज के बारे में कि कैसे कहाँ जाना है? कई कॉलेज सर्च करने के बाद आए या फिर पहले में ही सेलेक्ट कर लिया आपने इसे? ऐसा होता है, हम सभी की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग चॉइसेस होती है। मेरी भी थी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ एफिलिएटेड बाय लखनऊ, सो आई गॉट इट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अपने स्कूल में और एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि आप कॉलेज में आ चुकी हैं, ग्रो अप मत कुछ बड़ा हुआ महसूस कर रही हैं, मेच्योरिटी महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ टू बी अ मेंबर ऑफ मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज, एंड द कॉलेज इज़ ऑसम। यहाँ की फैकल्टी स्टाफ बोथ आर और सुपर। अच्छा, इंट्रैक्शन हो गया आप लोगों का अपने टीचर्स से, जो सीनियर्स हैं? यस यस, बिल्कुल। बहुत मेरे जितने भी टीचर्स हैं इज वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं वो सारे। क्या कुछ सुना था कॉलेज के बारे में कि कॉलेज आने पे आपके सीनियर्स मिलेंगे, उनको हाय हेलो गुड मॉर्निंग विश करनी होती है, ये सब सुना होगा ना आप लोगों ने? तो क्या कुछ ऐसा फीलिंग आई, अच्छा लगा, डर लगा, ये सब कुछ लगा? सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छे हैं। गुड। अच्छा, आप लोगों में से कितने कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग विश किया अपने सीनियर्स को? गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को अच्छा महसूस हुआ या फिर कुछ ऐसा रहे यार क्या हो गया? तो बहुत ज्यादा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। दिव्यांशी, इसके पहले आप कहाँ थी? मैं सेंट विवेकानंद से हूँ, इटावा से। अच्छा, इटावा से आप लखनऊ आ चुकी हैं, राजधानी लखनऊ में पधार चुकी हैं। क्या लगता है क्या कुछ एक्सपीरियंस रहेगा जो आपने एक्सपेक्टेशन की है कि कॉलेज में ये करेंगे, पढ़ाई करेंगे, धूम करेंगे, और साथ ही साथ जो होता ना कि क्लास बंक करना, वो होता है, उसके बारे में कुछ ख्याल है? नहीं, क्लास तो बंक करने का कुछ सोचा नहीं है। वैसे मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है, तो मैं ये सोच रही हूँ मैं पूरी करके ही जाऊँगी, और ऐसा कॉलेज है तो मुझे लग रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन सारी पूरी होंगी। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अपने स्कूल में, कितने दोस्त बनाए थे सबसे पहले तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगी। स्कूल में तो मतलब नॉर्मली सबके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा फ्रेंड ग्रुप था हम लोग का, लेकिन कॉलेज में जब से स्टार्ट हुआ है तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट मेरे काफ़ी दोस्त अभी तक बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को आए हुए कितना दिन हो चुका है? मतलब एक महीना, एक डेढ़ महीना। अच्छा, एक महीने में तो आप लोगों के कई हो सकता है वो फॉरवर गैंग बन चुके होंगे, कई चटपटी बातें हो चुकी होंगी एक दूसरे की, ठीक है? तो वो जो चुगली गैंग बनता है वो आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? अभी बहुत सीरियस बच्चे मेरे क्लास। अच्छा, बहुत सीरियस बच्चे हैं। तो क्या लगता है जो आपके पढ़ाई के ऊपर आते हैं, पढ़ाई की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहती हैं आगे? मुझे सीए करना है। तो सीए करना है, तो उसके लिए तो तैयारी आपको जरूरी करनी है। मेरे प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं उसके लिए, मतलब मेरे अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं मुझे। ओके, हम आगे आते हैं। नाम क्या है आपका? जैस्मिन। जैस्मिन, आप पहले बताइए कि आप इसके पहले कहाँ थी और अभी कहाँ? बनारस से हैं और गुरु नानक इंग्लिश स्कूल से मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है। तो क्या पहले तो आप तो एक महीने हो चुके हैं, आप भी एक महीने राजधानी लखनऊ का हिस्सा रह चुकी हैं, आप सब जाना चाहते हैं बनारस आपके लिए बेटर रहा कि राजधानी लखनऊ में आपको मजा आ रहा है? मेरे लिए बनारस ज़्यादा बेटर था, बिकॉज हम यहाँ पे अभी नए नए हैं। अच्छा। बट यहाँ पे लखनऊ पे लाइक बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सेफ फील होता है, लाइक हम लोग रात में घूम घूम सकते, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई, हम यहाँ पे फ्रेशर पार्टी को लेकर आ रहे थे, लेकिन ये जो आपने बात बताई कि आप सेफ फील करें, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने चीज़ों को थोड़ा सा रख के काम काज को और महिलाएं सेफ फील करें, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते, नाम क्या है आपका? अनन्या। अनन्या, क्या करती हैं आप? मैं अभी तो कॉलेज में है, अभी आए हैं, पढ़ाई हो रही है। अच्छा, अभी आप जान पहचान करें लोगों से, क्या लगता है एक्सपेक्टेशन कैसे आपने सर्च किया कॉलेज के बारे में, क्या कई कॉलेज खोजे या फिर सर्च कर लिया ऐसे कि हाँ ठीक है चलो ले लेते हैं? नहीं, मैंने बहुत रिसर्च की और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मुझे कॉलेज के बारे में पता चला। मैंने अपने जानने वालों से यहाँ का पूछा कि यहाँ पे कैसा पढ़ाई होता है और बाकी टीचर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने ले लिया। नाम क्या है आपका? श्रुति।
श्रुति क्या करती हैं आप, पर पता करना क्या चाहती हैं अपने लाइफ में? मैं अभी तो बीसीए स्टूडेंट हूँ, बट मेरा एम है कि मैं डाटा साइंटिस्ट और आर्मी के थ्रू अपना कुछ एम बनाऊँ। अच्छा, तो उसके लिए पढ़ाई भी आपको खूब तगड़ी करनी होगी। हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली पापा आर्मी रिटायर्ड है तो वो एम उन्होंने सेट किया है, तो वो उसमें मैं भी परस्यू करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप सबसे जो एक अच्छी चीज लास्ट चीज पूछना चाहते हैं, आप सबसे जितनी यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं, आपका कुछ याद है कि स्कूल में आपकी कुछ चटपटी खबर जो आप में से किसी एक को कुछ कहानी जो आपको अभी तक याद है अपने स्कूल की कुछ अच्छी वाली? एक्चुअली सब लोग बोलते थे कॉलेज जाओगे तो पता चलेगा, स्कूल लाइफ खत्म हो गई, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई, बट सीरियसली जो कॉलेज लाइफ होती है, बट स्कूल लाइफ थोड़ी मज़ेदार होती है, कॉलेज लाइफ में मज़े आते हैं। और दिस कॉलेज कुछ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ के टीचर्स और अपने सीनियर्स इतने कूल हैं, इतना फ्रैंकली बात करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। इनमें से कौन कौन ये सोच रहा था कि अभी ये खुश है, सेमेस्टर शुरू होने दो, YouTube शुरू होने दो, फिर जो प्रोफेसर है वो सब लोग हमें वही इनकी नजरें छुपाने की जरूरत पड़ी, कौन कौन सोच रहा था? हाँ मैं सोच रही थी। अच्छा एक्चुअली सोच रही थी अभी आप। अच्छा आप लोगों में से परफॉर्मेंस कोई कर रहा है? नेक्स्ट हम लोग की रामपोक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समापन करते हैं, अब इसके बाद हम चलते हैं कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। दीक्षा मिश्रा है और मैं यहाँ पे बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस के कोर्स में पढ़ाती हूँ। मैं क्या जस्ट टू टेल द अबाउट द कोर्स, द बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इट्स अ वेरी वाइड कोर्स। व्हाट आई से इज़ दैट मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज इज़ द बेस्ट कॉलेज इन लखनऊ फॉर द स्टडीज़ ऑफ जर्नलिज्म। फ्रेशर्स पार्टी है हमारे यहाँ पीजी यूजी के बच्चों के लिए, तो वो बच्चों में जो एक अंदर टैलेंट होता है, वो एक चीज़ जो हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं जस्ट टू ग्रो अप, इनकी की ग्रो अप स्टेज है, तो इसलिए फ्रेशर्स पार्टी में बच्चों ने बहुत प्रिपरेशन करी है, रैंप वॉक के लिए बोले या फिर डांस के लिए, सिंगिंग के लिए बहुत प्रिपरेशन करी है। और एक कॉलेज लाइफ की जो एक्साइटमेंट होती है कि फ्रेशर्स पार्टी है, इन्जॉय करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे 3-4 दिनों से, और आज फ्रेशर्स पार्टी है हमारे यहाँ। इसके अलावा मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज हमेशा से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता रहा है, चाहे वो उनकी इंडस्ट्री प्लेसमेंट हो या फिर क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या फिर उनके अच्छे एग्ज़ाम्स और अच्छे नंबर्स की बात हो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज एक बहुत अच्छा करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको एक अच्छा ऑप्शन है, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी फ्यूचर दे सकें, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मौजूद जो फ्रेशर्स बच्चे आए हुए हैं और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, और इसके साथ ही जहाँ पे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे परफॉर्म्स करने वाले हैं और जो परफॉर्म्स करके आ चुके हैं, उन सबसे हमने बातचीत की क्या कुछ होने वाला है यहाँ कॉलेज में, आज फ्रेशर पार्टी में क्या कुछ रौनक रहेगी। वैसे पीछे अभी भी परफॉर्मेंस चलने वाली है, रैंप वॉक हो चुके हैं, ये फ्रेशर बच्चे हैं जो अपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो यहाँ पे सब बैठे हैं उनको अपने बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ क्या कुछ करके आए हैं और यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करने वाले हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, ये सब रैंप वॉक के जरिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन के जरिए दे रहे हैं। यही भी हम आ चुके हैं, हमने टीचर से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे आए हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा, ताकि उनके जो पढ़ाई के साथ साथ बाहरी दुनिया से लड़ने की क्षमता भी उनके अंदर आए। और जो हमने यहाँ पे सीनियर से बात की, वहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, वो अपने जूनियर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पीछे गड़गड़ाहट भी बहुत तगड़ी हो रही थी, यहाँ पे परफॉर्मेंस जोरों शोरों से चल रही है, हिंदी बॉलीवुड गानों पर लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे और जो दर्शक है वो काफ़ी खुश थे, क्लैपिंग जोरों शोरों से हो रही थी। बाबूला यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।